अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे गोभी फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी होती है। इस तरह से आप ज़रूर बनाएं, आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हमने पहले पानी को गर्म कर लिया है। ये देखें, ये हाफ केजी है गोभी। इस तरह से मैंने छोटे छोटे इसके फ्लोरेट्स कट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इससे बॉईल कर लेंगे पहले गोभी को। गोभी बॉईल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, हम पानी में थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना ना करें। और 1 टीस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। जब पानी बॉईल होगा तब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी में गोभी। ठीक है, हमें इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 2-3 मिनट तक ही हम इसे रखेंगे पानी में, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। ये देखें, ये हो गए हैं 2-3 मिनट कितना, अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, ये थोड़ी सी अभी कच्ची है, सिर्फ हमने थोड़ी ही देर रखा है इसे, अभी हम फ्राई कर लेंगे इसे। देखें, मैंने कढ़ाई में 1/2 कप के करीब तेल ऐड कर दिया है। राई ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून, और 3 हरे सूखे लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 2-3 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे कट कर, और हैंडफुल करी लीव्स ऐड कर देंगे। और इसे हम थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें गोभी ऐड कर देंगे। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, जो कलर है उसमें येलो कलर, वो पूरा ऑब्जर्व हो गया है गोभी में। अच्छे से मिक्स कर लें इसे, और हम इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, तो नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अभी थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करना है। ये देखें, थोड़ा सा इसी तरह से हम इसे मैश करते जाएंगे, ताकि ये थोड़े से जैसा हम मटन का खीमा बनाते हैं उसी तरह का टेस्ट आएगा इसमें। जब तक आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये गोभी है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप बनाएं। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अच्छे से मिक्स कर लें इसे भी। ये देखें, जो तेल है पूरा ऑब्जर्व हो गया है। अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है अभी थोड़ी देर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। देखिए, मसाले को हमें जलाना नहीं है, तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कर देंगे इसे फ्लेम को। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड किया है। देखें, अभी थोड़े से मुझे पीसेस बड़े लग रहे हैं इसके फ्लोरेस, तो अभी इस तरह से मैं इसे मैश करते जाऊँगी। आमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। देखें, ये हो गई है फ्राई। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो करें, वरना स्किप कर दें। इससे जो कलर है गोभी का बहुत ही अच्छा आता है। हरा धनिया ऐड कर लेंगे ऊपर से थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर लें। ये देखें, झटपट से हमारी जो गोभी फ्राई है बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चपाती पराठे के साथ सर्व करें नाश्ते में। ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये, आप कभी भी चाहे तो इसे कभी भी बना सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गोभी है। आप इस तरह से फ्राई कर दें, और बच्चे हो या बड़े, सबको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से जो भी गोभी नहीं खाते हैं उन्हें इस तरह से आप फ्राई कर दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। लाइक करें मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।